Hello, I am Dr. Bhagwan Jagwani, Campus Director of Allen House Colleges, situated at Rooma, Kanpur. आज मैं आपको examination से होने वाले stress को कैसे face करना है, उसके बारे में बताऊंगा. Today I am going to give you certain tips to face the stress that is caused due to examination. अक्सर यह देखा जाता है कि जहां से समस्या उत्पन्न होती है, वहीं उसका समाधान होता है. From where the problem arises, solution lies there somewhere. अब देखिए स्ट्रेस, इसके हर एक अल्फाबेट को देखिए, एस टी आर ई डबल एस, इसी में स्ट्रेस को फेस करने का सोल्यूशन है. एग्जामिनेशन स्ट्रेस को अगर आपको फेस करना है तो इस वर्ड स्ट्रेस के हर एक अल्फाबेट का इलैबोरेटेड फॉर्म समझिए आप. द फर्स्ट लेटर एस, एस का मतलब सेट रियलिस्टिक गोल्स. यदि आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक सेट नहीं करेंगे, आप हमेशा अपने आप को उन गोल्स का पीछा करते हुए पाएंगे और शायद पूरे ना हो पाए. योर गोल्स शुड बी वेरी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस, टाइम टेबल एंड द कोर्स और द सिलेबस दैट यू नीड टू कवर. रियलिज्म होना बहुत जरूरी है गोल्स को सेट करते समय. द सेकेंड लेटर टी, ट्रस्ट. अपने आप पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ. अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे तो स्ट्रेस की लड़ाई आप ही को लड़नी है, तो आप नहीं लड़ पाएंगे उस लड़ाई को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. तो बहुत जरूरी है अपने आप पे ट्रस्ट रखना. तीसरा लेटर आर, रिलैक्सेशन. कैसे रिलैक्स हो आप? सबसे बेहतरीन तरीका रिलैक्स होने का, डीप ब्रीथिंग. डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करके आप अपने दिमाग में चल रहे बहुत सारे उधेड़बुन को शांत कर सकते हैं. एंड देन ई, ई स्टैंड्स फॉर ईट वेल. ना ज्यादा खाइए ना कम खाइए, जितना जरूरत हो उतना खाइए. अगर हो सके तो जितनी भूख हो उससे दो निवाले कम खाइए. एंड देन एस, एस स्टैंड्स फॉर स्लीप वेल. अक्सर देखा गया है स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. नो, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. जितनी जरूरत हो उतने घंटे नींद होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे कम से कम एग्जामिनेशन पीरियड के दरमियान. नाउ वी कम टू द लास्ट लेटर, द लास्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड स्ट्रेस, एंड द लास्ट अल्फाबेट इज अगेन एस. ये एस का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. दिस एस स्टैंड्स फॉर समवन. समवन मतलब कोई हो. अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो लोगों से कट जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं. तो देर शुड बी समवन विथ हुम यू शुड टॉक. दैट समवन कैन बी योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, दोस्त, टीचर या कोई भी. टॉक टू समवन. अगर आप स्ट्रेस के इस हर एक लेटर का असली मतलब समझ जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एग्जामिनेशन से होने वाले स्ट्रेस को फेस करते समय आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और हर इम्तिहान में पास होंगे. तो हेयर आई कंप्लीट माई टिप्स टू यू. एस टी आर ई डबल एस. एग्जामिनेशन से होने वाला स्ट्रेस हो या किसी भी चीज से होने वाला स्ट्रेस हो, हमेशा एस टी आर ई डबल एस का फुल फॉर्म अपने दिमाग में याद कीजिएगा और हर स्ट्रेस को कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा. थैंक यू.